आना है। और अभी जो है टाइम हो रहा है, अभी दोपहर के 2 बजे और मैं जस्ट जा रहा हूँ अपने फ्रेंड से मिलने, क्योंकि आज हम जो है KTM की राइड पे जाएंगे। बेसिकली उनके पास भी KTM है तो मैं आपको वहीं पर जाकर आपको दिखाऊंगा। तो जस्ट अभी मैंने गाड़ी को जो है ऑन किया है और थोड़ी सी मैं सोचा था इसको गर्म कर लूं।
आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, फहीम भाई वहाँ पर है और इस टाइम जो है शाम के 5 बज चुके हैं। और व्लॉग के अंदर मैंने इसलिए कुछ नहीं दिखाया क्योंकि सबसे पहले हम जिस लोकेशन पर गए वहाँ पर क्या हो गया था बताना जरा, कांड हो गया था आज तो स्टार्टिंग से ही। पहले मैं अपना हेलमेट नहीं मुझे मिला, भूल गया फहीम भाई को, पहले इनका हेलमेट नहीं मिल रहा था, फिर उसके बाद हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर पुलिस जैसे कि हम जिस एरिया पे खड़े हैं ना गाइस, ये सहारनपुर का कौन सा रोड है, ये दिल्ली रोड है, ये सहारनपुर का दिल्ली रोड है। और यहाँ पर अगर जैसे कि आप 2 या 3-4 बाइक्स लेकर भी आ जाना तो पुलिस वाले तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, ऐसा होता है यहाँ पर। नहीं वो असल में उनकी ड्यूटी भी है, बहुत सारे लोग आ गए थे, 26 जनवरी है, 26 जनवरी आज काफी लोग खड़े थे, टिकटॉक पे वीडियो वगैरह बना रहे थे, तो इस वजह से भीड़ हो गई थी तो उन्होंने मना करा बनाने को, तो इसलिए हम आ गए। तो अब कुछ आगे है नहीं खास करने को। और अगर आप देखना चाहते हैं सहारनपुर का मशहूर GNG मॉल तो वो उस साइड है, कहाँ है, मशहूर नहीं है वो मशहूर नहीं है, बंद है वहाँ पर है, पीछे हम यहाँ पर खड़े हैं। और जो सहारनपुर से है कमेंट करके बताओ, मीटअप रखने वाला है तुम्हारा भाई, जो फहीम भाई का कोई सब्सक्राइबर है सहारनपुर से, बताओ मीटअप रखने वाला है तुम्हारा भाई, यहाँ पर ही रखूंगा यहाँ पर ही। अरे मीटअप रखना चाहिए एक हमें, मीटअप जरूरी है सहारनपुर, नहीं सहारनपुर में नहीं, देहरादून या दिल्ली तक नहीं। अगर कोई बेसिकली पहला जो सहारनपुर में ही होगा, अगर कोई सहारनपुर से है 10 लोग भी अगर होंगे ना तो मैं मिलने आऊंगा। हाँ बिल्कुल सही है, अगर 10 लोग भी होंगे हम दोनों से अगर मिलना चाहेंगे तो आएंगे जरूर, अगर 5 लोग भी होंगे तब भी आएंगे। तो एक बार फिलहाल मैं सीख रहा हूँ इस कैनन 80D को चलाना, क्योंकि आरिश ने तो ले लिया है और मैंने ऑलरेडी ऑर्डर किया हुआ है, आने वाला है 2-4 दिन में। उसकी अनबॉक्सिंग तो मैं आपको दिखा दूंगा, रिव्यू नहीं दिखा पाऊंगा, मुझे खुद नहीं आता है सही से चलाना, तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे मोड्स हैं जो मुझे ही नहीं आते हैं चलाने। आप हमें कमेंट करके बता दीजिए अगर आपको पता है इसका कुछ अलग खास फीचर या कैसे इसको हम ज्यादा बेहतर तरीके से यूज कर सकते, तो हमें जरूर बताइएगा, हमारे काफी काम आएगा ये। ओके, और जैसे कि मैं जहां से अपने घर से फहीम भाई के घर तक गया वहां तक का तो रास्ता आपने देख लिया, अगर जाना चाहते हो तो चले जाना, मैंने रिवील कर दिया है रास्ता, मतलब कोई भी आ सकता है कोई दिक्कत नहीं। तो चलो गाइस मैं गाड़ियां दिखा देता हूँ, ये तो मेरी वाली खड़ी है और फहीम भाई की मैं बाइक दिखाता हूँ आपको। तो फहीम भाई कौन सा मॉडल है, मुझे याद नहीं है वैसे, आई थिंक ये 2016 होने वाला है। हाँ ऐसा हो सकता है, मुझे लगभग 3-4 साल हो गए। तो 2016 मॉडल है, आप एक बार चेकआउट कर लो, मैं सिनेमैटिक शॉट्स आपको दिखा दूंगा इसके बाद अभी। और ये एक ये वाला है। तो अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि मैं दोनों बाइक्स का कंपैरिजन करूं कि 2016 और 2018 में क्या क्या डिफरेंस आया है, अगर आप KTM लेना चाहते हैं, KTM बाइक कैसी है, आपका रिव्यू क्या रहा है इतने सालों का। अगर आपको फन के लिए चाहिए, मस्ती के लिए चाहिए तो बहुत अच्छी है, और डेली यूज के लिए नहीं, डेली यूज के लिए यहाँ पे पाम में पेन होने लग जाता है, बैक पेन होने लग जाता है और तुम्हारे कुछ दिनों बाद कमर मुड़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे हो जाओ। और अपनी वाइफ को तो बिठा नहीं सकते हो पीछे। हाँ सही बात है, फैमिली वाले बंदों के लिए नहीं है। अगर तुम्हारी कोई पतली सी गर्लफ्रेंड है तो उसको पीछे चिपका सकते हो। हाँ, और साथ ही साथ उसका नंबर आरिश को भी दे सकते हो। नहीं नहीं मुझे नंबर की जरूरत नहीं है। तो गाइज आई होप कि आज का ब्लॉग जो भी आपको पसंद आया होगा, तो मैं घर जाते हुए आपको दिखा दूंगा घर का रास्ता। बहुत लोग बोलते हैं आरिश भाई तुम्हारे घर का रास्ता कहाँ है, और यहाँ, और अगर आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट ब्लॉग में कहीं जाएं, कहाँ जाना चाहोगे आप कमेंट करके बता दीजिए, वहीं चले जाएंगे और क्या, जहाँ भी आप बोलोगे हम वहाँ पर चले जाएंगे, ठीक है। और अगर कोई सहारनपुर से है तो एक बार कमेंट करके बताओ, मैं अपने फोन से ही कर रहा हूँ भैया व्लॉगिंग, अभी तो कैमरे वैमरे के लिए पैसे नहीं है, करेंगे बहुत जल्दी करेंगे, ठीक है। तो यार गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, ठीक है। और बाइक के ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊँगा बहुत जल्दी, फहीम भाई की और मेरे, बिकॉज अभी इनके पास बेसिकली हम ड्रैग रेस करने वाले थे, पर फहीम भाई के पास हेलमेट नहीं है, GoPro है, GoPro भी नहीं है, सस्ता वाला कैमरा यूज करते हैं हम। सस्ता टिकाऊ, ये कौन से ईगन फहीम भाई 4K है वो। हाँ 4K है लेकिन सस्ता तो है ना, सस्ता है तो सस्ता माल अच्छा होता है ना, यूज करने के लिए सस्ता
माल अच्छा होता है यूज करने के लिए. ऐसा ऐसा कैमरा होना चाहिए जो सब ले पाए और अच्छे से यूज कर पाए, वो चीज हम आपको दिखाते हैं. हाँ, तो आपने जैसे फुटेज देखी होगी काफी अच्छी आती है इस वाले कैमरे से भी, और डिसेंट फुटेज आती है, कोई जरूरत नहीं है. या और अगर आप चाहते हैं कि मैं बाइक से कंपैरिजन पर वीडियो लेकर आऊँ तो मैं जल्दी लेकर आऊँगा, ठीक है? तो चलिए घर पर